के साथ आपको बता दें, दक्षिण के राज्यों में कुदरत ने कोहराम मचाया हुआ है, जिसकी तस्वीरें अब केरल से सामने आई हैं। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड में भारी तबाही हुई है। मेवड्डी के पहाड़ी इलाके में भूस्खलन हो गया। लैंडस्लाइड के चलते 5 लोगों की जान चली गई। कई कारें जो है वो मलबे में दब गई। कई घर जो है वहां पर वो तबाह हो गए। रिपोर्ट जो आ रहे हैं उनके मुताबिक लैंडस्लाइड के चलते 100 लोग फंसे हुए हैं, जबकि मलबे में कई लोगों के दबे होने की भी आशंका है। कई जगहों पर सड़क और पुल टूटने की भी खबरें आई हैं। अभी फिलहाल बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए मिट्टी को हटाने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन तस्वीरों में रेस्क्यू टीम्स कैसे लगातार वहां पर काम करने में लगी हुई है। NDRF की टीम रात बचाव में जुटी है। वायुसेना को भी रेस्क्यू के लिए बुलाया गया है। केरल के वायनाड से तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने। टीम्स लगातार काम कर रही हैं, लगातार यहाँ पर जो NDRF की टीम्स हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। कई लोगों को बचा लिया गया, लेकिन अभी आशंका ये जताई जा रही है कि मलबे के अंदर 100 लोग फंसे हो सकते हैं। लगातार दक्षिण के राज्यों में कुदरत का कोहराम जारी है और ये तस्वीरें केरल के वायनाड से, लैंडस्लाइड वहां पर हुआ जिससे भारी तबाही मच गई है। मेवड़ी के पहाड़ी इलाके में भूस्खलन हो गया, दो तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं, और इस लैंडस्लाइड के चलते 5 लोगों की जान चली गई है। बताया गया है कि कई वाहन ऐसे हैं जो मलबे में दबे हुए हैं, और ये लैंडस्लाइड इतनी खतरनाक थी कि कई घरों को भी चपेट में ले लिया, कई घर तबाह हो गए। ये देखिए गाड़ियां कैसे वहां पर फंसी हुई हैं, इतना ज्यादा भयावह मंजर था। लैंडस्लाइड के चलते 100 लोग फंसे हुए हैं अभी फिलहाल मलबे में। कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। कई जगह ऐसी हैं इस लैंडस्लाइड के बाद जहां पर सड़कें टूट गई, पुल टूट गए। अभी फिलहाल कोशिशें ये की जा रही हैं कि जल्द से जल्द लैंडस्लाइड के बाद जो मिट्टी वहां पर आ गई है उसको हटाया जाए, उसका काम तेजी से किया जा रहा है। इन तस्वीरों में यहां पर आप देख सकते हैं राजस्थान और भारत पर ये तस्वीरें, NDRF की टीम किस तरह से राहत बचाव कार्य में अभी फिलहाल जुटी हुई है। लगातार बारिश भी हो रही है जिसने परेशानी को और ज़्यादा लगातार बढ़ाया हुआ है। पहले तो लैंडस्लाइड हुआ है, लोगों के फंसे होने की खबर, घर वहाँ पर बह गए, कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, 5 लोगों की जान चली जाती है, और लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन उसके बाद चलाया जा रहा है। वायुसेना को भी यहां पर मदद के लिए बुलाया गया है क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से बड़ी खबर आ रही है। मणिकर्ण घाटी में बादल फटने से तबाही मच गई। बादल फटने से कई दुकानें और पुल जो हैं वो वहां पर बह गए। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से मणिकर्ण घाटी में बादल फट गया, जिसकी वजह से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। बादल फटने से कई दुकानें जो वहां पर मौजूद थी और पुल जो थे वो बह गए। ये तस्वीरें देखिए यहां पर आपके सामने हैं। मणिकर्ण घाटी ये बताई जा रही है, मनाली की तरफ जाते हैं ये पूरा का पूरा रास्ता यहाँ पर पड़ता है मणिकर्ण। यहाँ पर बादल फटने से किस तरह से तबाही मची है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेहद खतरनाक तस्वीरें। यहाँ पर बताया गया कि कई पुल जो मौजूद थे, बादल फटने की वजह से पानी का बहाव इतना तेज था कि वो पुल बह गए, जो दुकानें वहां पर मौजूद थी वो भी उसकी चपेट में आई हैं। दक्षिण के राज्यों की बात करें या फिर हिमाचल की यहां पर हम बात कर रहे हैं, लगातार तबाही का मंजर अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। और अब बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। कुपवाड़ा में भी बादल फटने से तबाही मच गई। अचानक नदियों का जलस्तर जो है वो बढ़ गया है। कुपवाड़ा के मोनाबल गांव में बादल फटने की खबर सामने आई है। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे जहां नदियां पुल से ऊपर बह रही हैं। गनीमत है कि कोई हताहत नहीं हुआ, इस तरह की कोई खबर नहीं आई है। अलर्ट जो है वो पहले ही जारी कर दिया गया था। बादल फटने से किस तरह का मंजर वहां पर देखने को मिला जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में, वो आप देखिए। लंगेट के मोनाबल की ये तस्वीरें हैं, जो पुल हैं उनके ऊपर से पानी गुजरता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त, और इसी वजह से लोगों को अलर्ट रहने को भी कहा गया है। और गुजरात के कई हिस्से इस वक्त मौसम की मार झेल रहे हैं। इसी बीच में साबरकांठा से वीडियो सामने आया है। गुजरात के साबरकांठा में मौसमी आफत देखने को मिली है। बिजली गिरने का लाइव वीडियो सामने आया है। ये देखिए तस्वीरें, बिजली गिरने के बाद पूरा का पूरा पेड़ जो है वो जलकर खाक हो जाता है। इसी के चपेट में आने से एक शख्स की जान भी चली गई है। गुजरात के साबरकांठा की तस्वीरें, ये पेड़ पर किस तरह से बिजली गिरती है और ये पूरा का पूरा पेड़ जो है वो जलकर खाक हो जाता है। बिजली गिरने से एक शख्स की जान भी चली गई जो वहां पर मौजूद था। गुजरात के साबरकांठा में जब
कोई अपने कैमरे में इन तस्वीरों को कैद कर रहा था, तो अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि ये मंजर भी तस्वीरों में कैद हो जाएगा, कैमरे में कैद हो जाएगा, बिजली गिरने का जो सीधा पेड़ पर गिरती है, पेड़ में आग लगती है, और बताया गया कि एक शख्स की जान भी इस पूरे हादसे में चली गई है। ये साबरकांठा की तस्वीरें आपने देखी, और गुजरात के मेहसाणा में भी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तेज बरसात के बीच में अंडरपास में ट्रैक्टर फंस गया, रेस्क्यू टीमों ने 13 लोगों को अंडरपास से निकाला है। अंडरपास के अंदर ट्रैक्टर ट्रॉली फंसी हुई यहाँ पर देखिए आपको नजर आती है, इसमें 13 लोग सवार थे। ये जानते हुए भी कि अंडरपास में इतना पानी है, ट्रैक्टर ड्राइवर ने बाकी लोगों की जिंदगी भी जो है वो खतरे में डाल दी। समय पर रेस्क्यू टीमें पहुंच गई, वरना अंडरपास में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। ये तस्वीरें देखिए गुजरात के मेहसाणा से हम आपको दिखा रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली जो अंदर की तरफ थी इसमें 13 लोग सवार थे। पानी बहुत ज्यादा था, अंडरपास से आप गुजरते हैं ढलान वैसे ही होती है, बारिश लगातार हो रही है, पानी जो है उसका लेवल लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी ड्राइवर ने ये जोखिम उठाया, 13 लोगों को लेकर वो इस अंडरपास में दाखिल हो जाता है। राहत की बात रही कि जो रेस्क्यू टीम्स थी यहाँ पर वो टाइम पर पहुंच जाती हैं, वक्त पर पहुंचती हैं। वक्त पर पहुंचने के बाद आप समझिए इन लोगों को बाहर रेस्क्यू किया जाता है, वरना किस तरह की स्थिति बन सकती थी आप सोचिए ना, 13 लोगों की जान यहाँ पर खतरे में थी। ये चार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जगह जगह पर जल जमाव हो रहा है, बस डिपो जो है वहां पर भी पानी घुसा है। अंडर ब्रिज की तस्वीरें जहां पर पानी भरा हुआ था, पानी में एक ट्रैक्टर ट्रॉली फंस जाती है जिसमें 13 लोग सवार थे। गुजरात की अगर हम बात करते हैं, साबरकांठा और मेहसाणा हूँ अलग अलग इलाकों में इसी तरह से स्थिति जो है वो खराब होती हुई नजर आ रही, लगातार बारिश, और मौसम विभाग की ओर से कई जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किए गए हैं। लोगों से ये अपील कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो ऐसे इलाकों में ना जाया जाए जहाँ पर स्थिति खराब है। और खबर गुजरात के बनासकांठा से, लगातार बारिश के बाद हाईवे भी जलमग्न हो गए, अंडरपास में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। बनासकांठा में नॉनस्टॉप बारिश के बाद हाल ऐसा है कि पूरा इलाका पानी पानी हो चुका है। ग्राउंड फ्लोर में पानी भरने से लोग पहली मंजिल में शिफ्ट हुए हैं, हाईवे पर गाड़ियां रेंग रही हैं, कई अंडरपास तो पूरी तरह लबालब पानी से भरे हुए हैं, वहां से गाड़ियों की मूवमेंट पूरी तरह से बंद कर दी गई है एहतियातन, और जो होना भी चाहिए वहां पर गाड़ियों के फंसने की जो स्थिति होती है वो बहुत ज्यादा होती है और वो परेशान करने वाली होती है। ये देखिए तस्वीरें, यहाँ जो गाड़ी फंस गई थी पूरी तरह से पानी में, उसको किस तरह से जेसीबी की मदद से इस गाड़ी को बाहर निकाला गया। ब्रिज के पास में ये गाड़ी जो है वो फंस जाती है और उसको जेसीबी की मदद से बाहर निकाला जाता है। बनासकांठा से फिर से तस्वीरें हैं, बारिश लगातार हो रही है, हाईवे जलमग्न है, अंडरपास है, वहां पर पानी भरा हुआ है। नॉनस्टॉप बारिश के बाद हालात किस तरह के हैं वो ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। पूरा इलाका पानी पानी है, ग्राउंड फ्लोर में पानी भरा है तो लोग ऊपरी मंजिलों पर जाकर रहने को मजबूर हैं अभी फिलहाल, और हाईवे पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। कई अंडरपास ऐसे हैं जहां पर पानी ही पानी नजर आता है, अलग अलग तस्वीरें यहां पर आप देख सकते हैं, ये हाईवे आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा हाईवे जलमग्न है, सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा, और इसी पानी में से ये बड़े बड़े ट्रक्स गुजरते हुए आपको नजर आते हैं। अंडरपास यहाँ पर आप देखिए, अंडरपास में पानी भरा हुआ है, जो वहां से वाहन गुजर रहे हैं उनको रोका जा रहा है, दोनों तरफ से ही वाहनों को रोका गया है ताकि आगे कोई खतरा ना बढ़े। जेसीबी से कार का जब रेस्क्यू किया जाता है, आप देखिए कितना ज्यादा पानी है, कितना ज्यादा पानी का बहाव, और इस गाड़ी को वहां से बचाया गया, बाहर निकाला गया, क्योंकि इस पूरे के पूरे जल सैलाब में ये फंस गई थी, घुटनों तक पानी भरा हुआ है। आप देखिए साइकिलों से लोग जब यहाँ पर गुजर रहे हैं, पानी पानी लोगों के घरों तक जा पहुँचा है, ग्राउंड फ्लोर जो है लोगों के, जो ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे थे उनके लिए रहना मुश्किल हो गया है, और उसके बाद लोग फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब खबर मध्य प्रदेश से, पानी के बीच यात्रियों से भरी हुई एक बस फंस गई, सभी लोगों को सुरक्षित बचाया गया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंदसौर की हैं, खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि ड्राइवर्स की ऐसी लापरवाही का असर सीधे लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। ये जानते हुए कि अंडरपास में इतना पानी है, ड्राइवर ने जानबूझकर बस को निकाला, लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। एक और तस्वीर आपने देखी थी जब ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर ड्राइवर घुस जाता है, 13 लोग उसमें सवार होते हैं, तो बस है और भी ज्यादा लोग थे जो सफर कर रहे थे, उनको लेकर ड्राइवर जो है वो अंडरपास के अंदर दाखिल हो जाता है। ये जानते हुए भी कि पानी है, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कितना सुरक्षित है, लेकिन उसके बावजूद भी जान जोखिम में डालकर तमाम लोगों की ये ड्राइवर जो है वो अंडरपास के अंदर चला गया।
और उसके बाद ये गाड़ी जो है ये बस वहां पर फंस जाती है। और अब खबर राजस्थान के सवाई माधोपुर से। फंती नदी की तेज धार में बहे लड़के, रेस्क्यू टीम ने दो को बचा लिया। की तलाश अभी फिलहाल की जा रही है। बताया जा रहा है कि तीनों जो है वो नदी में नहाने गए थे, वापस आते वक्त उनका पैर फिसल गया, बैलेंस बिगड़ गया और वो लोग नदी की तेज धार में बहने लगे। गनीमत रही कि आसपास के लोगों ने उन्हें देख लिया था। ये देखिए, दो लोगों को बचा लिया गया है, इसकी तलाश जारी है। ये गलवा नदी में तीन युवक बताए जा रहे हैं जो बह गए, नदी में नहाने के लिए गए थे, वापस जब लौट रहे थे तो पैर फिसल जाता है। बहाव बहुत तेज यहाँ पर और उस बीच में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अगर वहां पर जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। और बारिश के